आज महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में जिस ढंग से कोरोना भाग रहा है, हजारों लाखों लोगों के जीवन में खतरा पैदा कर दिया, ये क्या है मालूम है? आम पब्लिक ने लक्ष्मण रेखा की मजाक कर दी है। सोशल डिस्टेंस, मास्क, क्या वो तुम्हारे जीवन पर कोई रिस्ट्रिक्शन था क्या? यदि गवर्नमेंट ये सुझाव देती है, यदि डॉक्टर सुझाव देता है, सब कोई सुझाव देता है, क्या तुम्हें हैरान करने के लिए देते क्या? आपके मन में कभी ना कि आई एम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस तुम यही लेकर के बैठे कि गुरुदेव क्या होगा, होगा तो क्या होगा? अरे तुम इतने बेवकूफ बन चुके, आपको ना आपके बेटे की चिंता, ना आपके परिवार की, ना समाज की, ना राष्ट्र की, ना देश की, ना संत की, किसी की नहीं, बेवकूफ बन के नंगे होके निकल पड़े हो तुम। और ये माहौल है तुम्हारा होटल में जाने का, ये माहौल है मॉल में जाने का, ये माहौल है बीच पे जाने का, ये माहौल है क्लब में जाने का। जिसके घर में कोरोना से डेथ हुई, इसके घर के किसी सभ्य को मिल तो लेना, कभी मिल तो लेना, उनकी आंसू को देखना कभी। 30 साल का लड़का चला गया, इनकी पत्नी वीडो हो गई, उनकी उनकी तार तार रुदन कभी देख तो लेना। कोरोना के माहौल में शांत होने वाले के बाद डेड बॉडी उसको नहीं मिलती है, तो मैं क्या मालूम कितनी कितनी हराम गति, माने वो भी ये रिस्ट्रिक्शन था। भगवान मावी ने जो कहा, रात को मेरे गुरु पिताजी ने मुझे बताया 9:30 के बाहर बच जाना, तो मैं तो बच गया, मगर यूनिवर्सल एक तूफान आ चुका है कोरोना का। क्यों आपको कहाँ जाना है, कहाँ है? मैं बम्बई से निकला तब से मेरी चैत्री होली वलसाड़ डिक्लेयर थी, वलसाड़ जाना था, आगे बहुत कुछ प्रोग्राम भगवान की कृपा से तय हो चुका था, मगर ये जिस ढंग से कोरोना का माहौल देखा, हर प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर दिया है, कहीं नहीं जाना है। जहां भी प्रोग्राम कैंसिल किया, उनको थोड़ी पीड़ा हुई, फिर भी उसने धन्यवाद दिया, गुरुदेव आप सही हो। मैं बोला कोई रिस्ट्रिक्शन न मेरा न मेरे साधु का, किसी का मैं लेना नहीं चाहता हूँ। यही माहौल के बीच में मैं बिना दाहुन श्री संघ की जम के विनंती है, गुरुदेव आप यहाँ ही रहो, हम आपकी सुरक्षा, सकल श्री संघ की सुरक्षा है। दाणु श्री संघ जम के साधु और साध्वी की भक्ति करता है, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, हमारे वहाँ हर साधु भगवान, हर आचार्य भगवान ने बम्बई में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हर जगह हरेक के प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। क्या हम बेवकूफ है क्या? हजारों लोग धर्म के क्षेत्र में जुड़ने वाले थे, मगर मुझे भी तो मालूम है ये जोखम आज नहीं उठाना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे पास है ही नहीं। क्या होगा जिसको हुआ इनके घर पे, एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूं, तुम जाओ तो सही। एक लड़का मेरे पास आया था गुरुदेव, करीबन 12 साल में एक दिन पिताजी के बिना मैं रहा नहीं, 12 साल में एक दिन पिताजी के बिना रहा नहीं, और कोरोना में पिताजी डेथ हो गई गुरुदेव, पिताजी के डेड बॉडी के नज़दीक भी जाने का नहीं मिला, जैसे एक पार्सल को पैक किया है और जला दिया गुरुदेव, ये कोरोना का तूफान। अभी तक शरीर में कितने भी रोग आए थे, आपके बाजू में रोग बहुत आए थे, यही रोग ऐसा है कोई बाजू में आने के लिए तैयार नहीं, और तुम घूमने के लिए निकल पड़े हो। होटल में जाना है, मित्रों को मिलना है, बीच पे जाना है, मजाक कर लेना है, क्या करेगा कोरोना, क्या करेगा? Your body was not only your property but world's property. आपका शरीर सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी है। Without permission you have no right to damage it. आपकी पत्नी को पूछ लो कि मैं मरने जा रहा हूं कोरोना के माहौल में, तेरी सम्मति है? तेरी आपकी पत्नी को पूछ के निकलो बाहर, आपके 4 साल के बेटे को पूछ के निकलो, बेटा कभी हो सकता है कि कल तेरी आंख में आंसू होगा, तेरा बाप नहीं होगा दुनिया में, मैं जाता हूं क्लब में घूमने के लिए। तुम्हारा मोक्ष रुक जाए उसमें तुम्हें डर नहीं है, सदगति रुक जाए उसमें डर नहीं है, तुम्हारी समाधि खत्म हो जाए उसमें डर नहीं है, तुम्हारा प्रलोक बिगड़े उसमें नहीं है, तुम्हारी फैमिली खत्म हो जाए उसमें भी डर नहीं है, बस जीवन को तबाह करने के लिए निकल पड़े हो। ड्रॉ लाइन, तुम मानो किसकी? महावीर की नहीं मानता हो, महावीर की नहीं मानते हो, आपके बाप की नहीं मानते हो, आपकी माँ की नहीं मानते हो, ये पूरा माहौल जो ट्रूथ है दिखा पड़ता है, उनकी पर तुम निकले करते हो, कोरोना है ही नहीं।
सात दिन के लिए मैं आपको नियम देना चाहता हूं, प्लीज ओनली फॉर 7 डेज विदाउट मास्क सोशल डिस्टेंस का पालन किए बिना आप रहेंगे नहीं। कम से कम सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए, पूरी दुनिया के लिए आपका एक बहुत बड़ा योगदान बना रहेगा। धारणा भी ग्रभचकाय बहुत अच्छा, धारणा भी ग्रभचकाय नगुण संसागरणम महत्गण समय त्यागरण बोस रही।